हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आइए, आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज हम जा रहे हैं वैष्णो माता, और ये हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम बैठे हुए हैं मेट्रो में, और यहाँ साथ में बैठी हुई मम्मी और यारू राउंड लगा रही है, और सामने बैठे हुए हैं और सब जो हम जा रहे थे। तो जी, यहीं से शुरू हो गई है हमारी यात्रा। अब देखिए, ये है जम्मू की पहाड़ियों के नज़ारे, और ये है साइड में जो बसें चलते हैं यहाँ उन्हीं का रोड। और ये देखो कितनी गहरी गहरी घाटियाँ हैं, और ये आ चुकी है सुरंग। सुरंग के अंदर कहीं कहीं लाइटिंग है, कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। तो हम घुस चुके थे सुरंग में, और ये देखिए बिल्कुल ही अंधेरा है सुरंग के। पहाड़ों को काट काट कर बनाया हुआ है, और उसी में से ट्रेन, बहुत लंबी सुरंग है, उसी में से ट्रेन पास हो रही है। तो जी, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं आप, क्योंकि ऐसी ही सुरंग है, बिल्कुल कहीं कहीं गैप दे देकर लाइटिंग है। तो उसी में, और वहाँ कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था जम्मू में घुसते ही नेटवर्क। ये देख सकते हैं आप नीचे की पहाड़ियों का नज़ारा, और ये पहाड़ियों में से जा रहा है पानी। तो जी, हम पहुँच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान पर, और अब यहाँ से टोकन लेने के बाद करते हैं चढ़ाई शुरू। तो ये देखिए, ये है टोकन कक्ष, और यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी जहाँ टोकन मिल रहे थे, वहीं से ही ये देख सकते हैं आप। तो हमने यहाँ डंडे ले लिए हैं और चढ़ाई शुरू कर दी है। यहाँ डंडे बिना, जैसे डंडे की बहुत सहायता मिलती है, उसके बिना चढ़ तो जाते हैं लेकिन परेशानी बहुत होती है। तो हमने यहाँ 3 डंडे लिए थे, और डंडों की सहायता से ही बहुत हेल्प मिलती है यहाँ थकने में, उसे साथ लेने में। तो हम चल दिए हैं वैष्णो देवी की तरफ, माता जी के दरबार की तरफ, भवन की तरफ। और ये देखिए, आरू और अर्शु ने बैग हैंग कर रखा है। तो ये देख सकते हैं, हम आ चुके हैं बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूरी तय करके। और यहाँ पर लंगर लगा हुआ था, जिसमें ये वाटरफॉल की शो लगा रखी है, जो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, और प्रसाद में यहाँ नाम लिखवाने के बाद चुनरी भी मिलती है, तो हमने वो भी ले ली है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ की जो जम्मू में जैसे होटलों में डिजाइंस, लकड़ियों वगैरह काम होता है, वैसे यहाँ शौकीन बना रखे हैं साइड में। ये देखिए खपरेल के घर, जिनमें होटलों के खाने बनाने के नीचे टेबल बना रखे हैं 4, और बहुत सुंदर नज़ारा है, हरा भरा बहुत। वो बोलते हैं ना, जहाँ स्वर्ग धरती पर स्वर्ग है, तो वही यही है, वही बात बिल्कुल रियल है। और ये देख सकते हैं जी आप, कितना सुंदर भव्य नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही गजब लग रही थी। यहाँ से नीचे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, कटिंग इतनी अच्छी कर रखी है। तो जी, हम बढ़ लिए हैं आगे प्रसाद ग्रहण करने के बाद, और भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो नवरात्रा ही चालू है, और उन्हीं में हम दर्शन करने के लिए माता जी के लिए गए थे, क्योंकि माता जी का बुलावा नवरात्रों में ही आया, और वही बहुत बेस्ट टाइम था। ये हमने स्वीकार किया और माता जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तो जी, ये देख सकते हैं यहाँ से नीचे हम इतने ऊपर आ चुके हैं, और ये नीचे का नज़ारा, बोलते हैं कि जहाँ माता जी का शेर भी ही नहीं, पहाड़ों में ही घूमता है कहीं, लेकिन हमें तो खैर ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन बोलते हैं कि यहाँ जंगली जानवर भी घूमते हैं। तो जी, ये देख सकते हैं आरशु आरू और मेरे हस्बैंड, और अब चल रहे हैं हम, आगे बढ़ते रहे हैं। और ये देखिए मम्मी आगे आगे, सभी आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि आराम आराम से चलने में थकावट नहीं होती बैठते हुए। तो जी, यहाँ आ चुके हैं हम पानी की टंकी और के पास, और बहुत अच्छी सुविधा है रास्ते में, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जगह जगह पर चेयर्स लगा रखी हैं, जगह जगह पर वाटर कूलर है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है जाने का सफ़र में। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ थोड़ी सी तकलीफ होती है कि बच्चों को होता है, परेशानियाँ होती है बच्चों को, लेकिन हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से आराम से चले गए। और उन्हें भी पूरी वैष्णो देवी की चढ़ाई पैदल ही की है। और ये देखिए यहाँ, ये है, ये
जो साधन जा रहे हैं, ये ऊपर जो सामान पहुंचाने के लिए और जो माता जी पर फूल वगैरह चढ़ते हैं उनको नीचे लाने के लिए, ये पाल की सुविधा भी बांधी गई है। ये स्क्रोलर भी है बच्चों के लिए, ये सामान के लिए, जैसे भी हर सुविधा दी गई है, जैसे आप लेना चाहते हो। तो जी यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ बीच बीच में खाने के लिए भी सुविधा दी गई है। एक दो टोल लगे हुए थे जैसे ब्रेड वगैरह के, कॉफ़ी के, इन सब की एक दो दुकानें बीच बीच में बनाई गई हैं जगह जगह पर, और पूरे पे सेट डाली हुई है, कोई किसी प्रकार की धूप नहीं है रास्ते में। ये देख सकते हैं आप नज़ारा, और यहाँ का बादलों से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ आ चुके हम, लॉकर्स हैं यहाँ, यहाँ बैग वैग जमा कराने की सुविधा है। और ये जी चल रहे हैं ट्रोले जो भैरव जी से भवन तक, ये जो ट्रोला दिखाई दे रहा है ये भैरव जी से भवन तक का है। तो जी हम पहुँच चुके हैं भवन के पास बिल्कुल। ये देखिए यहाँ डेकोरेशन नवरात्रों में आपकी बात, बहुत सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। हर माता, हर जो माता जी हैं उनकी फ़ोटो, श्याम जी की फ़ोटो, हर स्टेट में किस तरीके से कौन सी माता का रूप कैसा है वो सब फ़ोटो यहाँ फूलों से जो सजावट कर रखी है उसी में बना रखी थी। ये है हमारे श्याम जी की, देखिए कितनी अच्छी फूलों से फ़ोटो बना रखी है ये माता जी, जो वेस्ट बंगाल में इस रूप में पूजती है वैष्णव माता। तो अलग अलग स्टेटों में जिस रूप में पूजती है और सब फूलों से कलाकारी कर रखी है दादा थी। और ये देख सकते हैं आप आगे, तो जी यहाँ इतने महंगे महंगे फूल लगा रखे हैं सभी रियल, और उनमें खुशबू बहुत गजब आ रही थी। यहाँ से जब निकलते हैं तो एकदम ऐसा होता है बहुत ही भीनी भीनी खुशबू के साथ, और भक्त हैं वो माता की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल भी उनको थकावट महसूस नहीं होती, छोटे छोटे बच्चों के साथ। और ये देखिए जय माता दी का जारा नारा लगाते हुए सभी आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखते हैं आप सभी इस इतनी भव्य सभी और बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ जब हम इस से गुजर रहे थे, या जो इस रास्ता है ये जो भव्य पर भवन पर पहुँचने का उससे गुजर रहे थे, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और अब पहले एक ही रास्ता था तो जीने का था, और अब दूसरा रास्ता निकाल दिया गया है, वो बिल्कुल स्लाइडिंग वाला है, उसमें किसी प्रकार की भी थकावट नहीं होती, क्योंकि आराम आराम से हर कोई चढ़ सकता है। जीने में चढ़ते हुए तो घुटनों में दर्द होने लगता है, बट वहाँ से हम चढ़ते हैं तो कोई ऐसी दुविधा नहीं होती। तो जी देख सकते हैं फ्लावर्स की, कितने तरह के फ्लावर्स हैं और कितनी अच्छी डेकोरेशन है, क्या खूब डेकोरेशन कर रखी थी माता जी की, और इतना अच्छा लग रहा था बहुत ही। और ये देखिए पहुँच चुके हैं बिल्कुल एंड तक, जहाँ से यही जो रेलिंग है इसके साइड से ही लाइन लगेगी और हम नीचे चले जाएंगे भवन तक। अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं स्नान के लिए, क्योंकि भवन पर पहुंचने के बाद स्नान ज़रूरी है, तो वहां हम जा रहे हैं सुविधा की तरफ। और बिल्कुल आगे तक ऐसे ही डेकोरेशन कर रखी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड तक। ये देखिए कितनी मस्त डेकोरेशन है। तो जी यहाँ सभी कैप्चर कर रहे थे। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।